अस्सलाम वालेकुम क्लास, चलिए तमाम स्टूडेंट ज्वाइन करें मुझे। चलिए तमाम स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन करें। नेक्स्ट जो है वो हमने गैसेस एक्सचेंज और सर्कुलेशन पढ़नी है ह्यूमंस में। जब हम बर्ड्स के हर्ट की बात करें और मैमल्स के हर्ट की बात करें तो उनमें दोनों जो है वो सिमिलैरिटी पाई जाती है। इसके अलावा सेम इसी तरह से जैसे बर्ड्स का जो हर्ट हमारे पास फोर चैम्बर्ड होता है और जो हमारे पास मैमल्स का है वो भी फोर चैम्बर्ड होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि फोर चैम्बर्ड ही हमारे पास टू एट्रिया टू वेंट्रिकल हमारे पास मैमल्स में या टू ही एट्रिया और टू वेंट्रिकल जो है वो हमारे पास बर्ड्स में है। वालेकुम अस्सलाम बच्चे। और नेक्स्ट इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो फोर चैम्बर्ड हमारे पास हर्ट होता है इसमें जो ब्लड की सर्कुलेशन है इसमें हमारे पास सिस्टेमिक और पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है वो दोनों पाई जाती है। कि इसमें जो पल्मोनरी है वो भी इन्वॉल्व है, सिस्टेमिक है, सर्कुलेशन दोनों जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास एवोल्यूशन होती है ये हमारे पास मोस्टली तौर पर टेट्रापॉड्स में पाई जाती है। अच्छा, इसके अलावा हम रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स भी हमारे पास टेट्रापॉड्स हैं लेकिन वहाँ पे हमारे पास जो हर्ट है वो मोस्टली तौर पर टू एट्रिया और वन वेंट्रिकल होता है। ठीक है, और हमारे पास जो रेप्टाइल्स उनमें जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें पार्शली जो है वो सेपरेशन होती है लेकिन जब हम क्रोकोडाइल्स की बात करते हैं तो क्रोकोडाइल्स में हमारे पास कम्प्लीट तौर पर सेपरेशन मौजूद होती है। नेक्स्ट इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो मोस्टली तौर पे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का क्या डिफरेंस है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में ये होता है कि हमारे पास जो सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो है वो डिफरेंट जो लाइनेजेस होती हैं उनसे जो है वो आके मिलते हैं और मिल के जो है वो एक हमारे पास कन्वर्ज हो जाते हैं, वो एक शेप इख्तियार कर लेते हैं, उसको जो है हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, सेम अगर आप बात करें वाई शेप की, ठीक है, वाई की या वी शेप की बात करें तो वी या वाई शेप में क्या होता है कि जो हमारे पास टू जो इराज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट उनके करेक्टर्स होते हैं और लेकिन एट द एंड में जो है आगे वो सेम हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं और इसी को जो है वो हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का नाम देते हैं। ड्यूरिंग क्लास मैंने आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का बताया था। ठीक है, और नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि जो ममेलियन हर्ट होता है वो हमारे पास मोस्टली तौर पे एवोल्यूशन पाई जाती है सिनैप्सिड जो लाइनेज होती है क्योंकि मैमल जो है वो मोस्टली तौर पर सिनैप्सिड लाइनेज में मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो एवियन हर्ट होता है उसमें जो एवोल्यूशन जो हमारे पास मोस्टली तौर पर देखने को मिलती है वो डाइएप्सिड्स हैं और बर्ड्स हैं वो डायएप्सिड्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आर्चोसीरस लाइनेज है वो भी जो है वो हमारे पास बर्ड्स में मौजूद होती है। ठीक है, आपको मैंने जो है वो आर्चोसीरस का बताया था, इसके अलावा टर्टल्स का बताया था और लर्चोसीरस का बताया था कि ये हमारे पास जो है ये डिफरेंट लाइनेजेस हैं और नेक्स्ट जो है इससे हमारे अदर एनिमल जो हैं वो इवॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें यह देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एवोल्यूशन है वो हमारे पास जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम की है और वो हमें देखने को मिलती है यूथीरियंस में। ठीक है, जो कि हमारे पास प्लेसेंटल मैमल्स भी होते हैं। ठीक है, इसमें जो रेस्पिरेटरी जो गैसेस होती हैं उनकी जो डिफ्यूजन होती है या न्यूट्रंट्स होता है जो फीटस तक पहुँचता है वो प्लेसेंटा के थ्रू पहुँचता है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो एक्सचेंज करने के लिए मटीरियल के लिए या गैसेस एक्सचेंज के लिए न्यूट्रंट्स के एक्सचेंज के लिए बेबी के दरमियान में और फीटस के दरमियान में और मदर के दरमियान में जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है एक्सचेंज होता है। ठीक है, इस एक्सचेंज में हमारे पास जो है मोस्टली तौर पर न्यूट्रंट्स भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं, वेस्ट मटेरियल भी होता है और इसके अलावा जो फूड के जो न्यूट्रंट्स होते हैं वो भी चाहिए होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ इन सारे सप्लाई के दौरान हम ये भी देखते हैं कि इसमें जो ब्लड होता है वो मिक्स नहीं होता। नेक्स्ट जो हम जो हमारा पैसेज है कि ब्लड जो है वो एंटर किस तरह से होता है और नेक्स्ट जो है उसका प्रोसेस क्या होता है,
इसमें बेसिकली जो ब्लड होता है वो एंटर होगा हमारे पास राइट एट्रियम में फिटस के, और वो रिटर्न हो जाता है प्लेसेंटा की तरफ, ठीक है। और ये जो है हमारे पास राइट एट्रियम से जो है वो नेक्स्ट प्लेसेंटा की तरफ जाता है, तो इसमें हाईली ऑक्सीजनेटेड होती है, हाईली ऑक्सीजन मौजूद होती है। और इसके साथ साथ हम इसमें ये भी देखते हैं कि जो फीटल लंग्स होते हैं वो हमारे पास इन्फ्लेक्टेड शेप के नहीं होते, और उनमें रेजिस्टेंस मौजूद होती है कि जैसे ही ब्लड जो है वो मूव करता है उनकी तरफ को फ्लो करता है वो रेजिस्ट करते हैं। और इसके साथ साथ जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो हाई जो नंबरिंग में मौजूद होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो मोस्ट ब्लड की जो एंट्री होती है वो हमारे पास राइट एट्रियम के थ्रू होती है, और बाईपासिस के थ्रू जो है वो मूव करती हुई राइट वेंट्रिकल की तरफ चली जाएगी, और राइट वेंट्रिकल से जो वो नेक्स्ट को पास करेगी वो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम की तरफ जो है वो मूव करेगी, ठीक है। और इनके दरमियान में जो हमारे पास जो है वाल्व्स मौजूद होते हैं राइट और लेफ्ट एट्रियम के दौरान भी और वेंट्रिकल्स के दौरान भी, ठीक है। इनके सेंटर में जो हमारे पास वाल्व्स मौजूद होते हैं, और यही वाल्व जो है ये हेल्प करते हैं जो हमारे पास ब्लड होता है वो एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ मूवमेंट में, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास कुछ जो ब्लड होता है जो कि राइट एट्रियम से है वेंटर हो जाता है राइट वेंट्रिकल की तरफ, और राइट वेंट्रिकल से वो चला जाएगा राइट जो है वो पल्मोनरी आर्टरी उनकी तरफ, ठीक है। जब राइट पल्मोनरी आर्टरी उनकी तरफ मौजूद है वो चला जाएगा, लेकिन जब हम मोस्टली तौर पर ये देखते हैं क्योंकि जो हमारे पास फीटस है फीटस की में जो मोस्टली तौर पे लंग्स हैं उनमें जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है वो मौजूद नहीं होती, ठीक है। वो यूनिफॉर्मली जो है वो फ्लैटन शेप के होते हैं, और उसके अलावा उनमें रेजिस्टेंस होती है ब्लड के अगेंस्ट, कि जैसे ही जो ब्लड जो है वो आता है वो उसके खिलाफ जो है वो रेजिस्ट पैदा करते हैं। और इस तरह से जो ब्लड होता है वो एओर्टा के थ्रू और लेफ्ट जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके थ्रू बॉडी में सप्लाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम ये देखते हैं कि एट बर्थ टाइम में जो प्लेसेंटा होता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। उसको जो है वो कट करके रिमूव कर दिया जाता है, और जो लंग्स होते हैं वो इन्फ्लेटेड शेप अख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। उनमें पहले जो है वो इन्फ्लेमेशन नहीं होती, बाद में इनमें इन्फ्लेमेशन मौजूद होती है, और इसी इन्फ्लेमेशन की बिना पे आफ्टर बर्थ के बाद जो बेबी जो है वो फुली डिवेलप हो जाता है, और वो खुद अपनी ही ऑक्सीजन और रेस्पिरेटरी गैसेस न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल्स पर डिपेंड करता है। बच्चे कहाँ चले गए हैं, आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? गायब हो जाते हैं 2 मिनट में। समझ भी आ रही है ये नहीं, जो मेन प्रॉब्लम होता है वो हमारे पास हार्ट का होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बर्थ के दौरान में जब लंग्स इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसके दरमियान जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है ब्लड के अगेंस्ट जो कि लंग्स में मौजूद होती है, वो रेजिस्टेंस जो है वो भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि पहले वो इन्फ्लेमेटेड थे, ठीक है, इन्फ्लेमेटेड जो है वो नहीं थे, और अब जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है उनमें मौजूद है, और इसी वजह से इनकी जो डक्टस आर्टरियोसिस होती है, ठीक है, वो मोस्टली तौर पे हमारे पास जो है वो डिक्रीज हो जाती है नंबरिंग में, ठीक है। और डक्टस आर्टरियोसिस यहाँ पे हमारे पास जो मोस्टली तौर पे जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है उसको कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में आपके पास लिखा हुआ है कि लेफ्ट जो पल्मोनरी आर्टरी होती है जिसने कि बॉडी को सप्लाई करना होता है, और वही जो डक्टस आर्टरियोसिस होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हमारे लंग्स जो हैं वो इन्फ्लेमेशन उनमें आ जाती है, उसके साथ साथ जो रेजिस्टेंस होती है वो रिड्यूस हो जाती है। और नेक्स्ट हम इसमें ये कहते हैं कि डक्टस आर्टरियोसिस के रिड्यूस होने के साथ साथ जो वेसल होती है वो ग्रेजुअली जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, लिगामेंट की फॉर्म जो है वो इख्तियार कर लेगी। और नेक्स्ट हम इसमें ये देखते हैं कि जो ब्लड होता है उसका फ्लो जो है वो बैक राइट जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसकी तरफ हो जाता है, कि वेंट्रिकल से जो दोबारा वो लंग्स की तरफ मूव करेगा, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो लंग्स की तरफ मूव करेगा, और इस तरह से जो उनमें जो ब्लड का फ्लो जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। और जो हमारे पास मोस्टली तौर पे वल्व होते हैं फोरामेन ओवेली के, ठीक है, जिसको कि आप एट्रिया का भी नाम देते हैं, दोनों एट्रिया के राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, ठीक है, उनके दरमियान में जो वल्व की ओपनिंग होती है और उसको हम नाम देते हैं फोरामेन ओलिव का, ठीक है। और इसके साथ साथ हम इसमें ये भी देखते हैं कि जो टिश्यूज होते हैं वो ग्रेजुअली एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते जाते हैं, और फ्यूज़ करते करते राइट और लेफ्ट एट्रिया को एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं।
गुड नाइला बच्चे, हमारे पास जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन वो होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड नहीं होते, ठीक है। और एट द एंड पे हम देखते हैं कि वो उनकी जो बॉडी फॉर्म होती है वो सिमिलर हो जाती है जी। कन्वर्जेंट जो है वो डाइवर्जेंस के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। और कन्वर्जेंट में हमारे पास सिमिलैरिटी होती है, डाइवर्जेंट में हमारे पास सिमिलैरिटी नहीं होती। बच्चे हमारे पास जो फिशीज हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, एम्फीबियंस हैं और मैमल्स हैं, ठीक है। आपने मैमल्स की कोई सी तीन एग्जांपल लिखनी है, जैसे आप देखें रेप्टाइल्स का, रेप्टाइल्स में जो है आप क्या बना सकते हैं, लिजर्ड की शेप बना सकते हैं, कोई भी लिजर्ड आप जो भी लिखना चाहें, आप जो हाउसेज में होती हैं वो लिख सकते हैं, जो डेजर्ट्स में होते हैं वो लिख सकते हैं, या जो नॉर्दर्न एरियाज में होते हैं वो लिख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से वाली जो है वो स्पीशीज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। वो आप गूगल से करेंगे तो वो आपको इजीली उसका डाटा और उसकी शेप मिल जाएगी, उसकी क्लासिफिकेशन भी विकीपीडिया से मिल जाएगी और साथ साथ आपको उसकी डायग्राम्स भी मिल जाएंगी। और नेक्स्ट आप स्नेक की है वो कोबरा की भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और कोबरा के अलावा जो है वो आपके पास आ जाते हैं, उसमें आप टर्टल्स हैं वो भी आप बना सकते हैं, टर्टल्स के अलावा आप जो अदर रेप्टाइल्स हैं वो भी बना सकते हैं। फिशेस में देखें आप वेल है उसका बना सकते हैं, हैग फिश का बना सकते हैं, इसके अलावा आपके पास डिप्नोई है उसकी डायग्राम बना सकते हैं, और डायग्राम के साथ साथ आप लंग फिश है उनकी क्लासिफिकेशन एक तरफ लिखें और एक तरफ जो है उनकी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। बच्चे समझ आ गई आपको, तो आपने विकीपीडिया पे जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ, आप लिखें कोबरा, अगर आप गूगल पे लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोबरा तो वहाँ पे आपके पास विकीपीडिया सबसे पहले ओपन होगी, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके पास डाटा आ जाएगा, डाटा की एक तरफ जो है वो साथ में उसकी फ़ोटो भी बनी होगी, फ़ोटो के साथ वहाँ पे नीचे लिखा होगा डाउनवर्ड में कि ये इसका किंगडम है, ये फाइलम है, ये क्लास है, ये ऑर्डर है, ये फैमिली है, ये जीनस है, ये स्पीशी है। वही स्पीशी का और जीनस में आपने उसका जो फर्स्ट कैपिटल लेटर में है वर्ड वो लिखना है, और जो स्मॉल में वो आपने स्पीशी में लिखना है, और साइंटिफिक नेम है वो आपके दोनों आ जाएंगे। और इसके बाद आपने उसी की जो डायग्राम होगी वो आपने अपने कॉपी पे ड्रॉ करनी है, ड्रॉ नहीं कर सकते तो आप उसको जो है वो उसका प्रिंट लेके उसको साथ में कर लें। सेम इसी तरह से आपने मैमल्स की करनी है तो आप क्लासिफिकेशन ऑफ ज़ेब्रा लिखें, आप क्लासिफिकेशन जो है ऑफ ह्यूमन लिखें, आप क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड लिखें, वहाँ पे आपके पास सारा किंगडम फाइलम क्लॉस एडी पूरी हायरार्की आ जाएगी, और उसके साथ साथ जो उसकी डायग्राम आएगी वो आप ड्रॉ करनी है आपकी मर्जी है, आपने उसकी कलर प्रिंट लगाना है, आपने उसका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट लगाना है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। क्लियर हो गया, और अपनी आहिस्ता आहिस्ता करके जो प्रैक्टिकल नोटबुक है उसको लिखना स्टार्ट करें। ये जस्ट आप लोगों के 3 घंटे की मारा, 3 घंटे में आपकी पूरी नोटबुक आप मैमल्स तक रेडी हो जाएगी, और इस मैमल्स के बाद भी आप लोगों के जो है वो प्रैक्टिकल्स रहते हैं तो वो भी आपने साथ साथ लिखने हैं। तो कोशिश यही करें कि इसको कंप्लीट करते जाएं ताकि जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक है और आपके असाइनमेंट का काम है वो आपका साथ साथ कंप्लीट हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम इसमें जो है वो गैसियस एक्सचेंज है वो डिस्कस करते हैं। ओके वेलकम। गैसियस एक्सचेंज में हमारे पास मोस्टली तौर पर जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं, और इसके अलावा इनके जो मेटाबॉलिक रेट्स हैं, इनकी जो एनर्जी की डिमांड है वो हाई है, और इनके जो गैसेस एक्सचेंज के लिए एफिशिएंसी जो है वो हमारे पास ज़्यादा मौजूद होती है। और इसके साथ साथ हम इसमें यह देखते हैं कि इनके जो हमारे पास नेजल और ओरल कैविटीज़ हैं वो एक दूसरे से डिफ़र करती हैं, और यहाँ पर सेम स्नाउट एरिया जो हमारे पास जो है वो लॉन्गर है। आपको पता है कि स्नाउट एरिया कौन सा होता है, मैंने जब आपको फिशेस का पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसमें हमने साथ साथ ये भी देखना है कि ये जो हमारे पास नेजल या कैविटीज या ओरल कैविटीज एरिया है ये हमारे पास जो है ये सर्फेसिस जो है वो इंक्रीज करता है, जो कि हमारे लिए वार्मिंग के लिए, मॉइस्चराइजिंग के लिए, या एयर की जो इंस्पायरेशन है इंस्पायरेशन के लिए, इनहेलेशन के लिए ये मोस्टली तौर पर जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो रेस्पिरेटरी पैसेज वेज होते हैं उसमें हमारे पास ये हाईली ब्रांचेज होती हैं, ये लास्ट सर्फेस एरिया प्रोवाइड करते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। इसमें मोस्टली तौर पे हमारे पास लंग्स आ जाते हैं जो कि एक वस्कुलर स्पंज होता है,
और ये हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम एम्फीबियंस की बात करते हैं तो उनमें ये जो स्पंज होता है इसका जो एरिया होता है वो हमारे पास स्मॉल होता है। स्मॉल के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे हाईली जो कैपिलरीज होती हैं, जो हमारे पास नेटवर्क का वेसल जो नेटवर्क होते हैं वो मौजूद नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा हम जब यहाँ पे मेमेरियन लंग्स की बात करते हैं तो इनमें इन्फ्लामेशन मौजूद होती है और इसमें जो है वो हम नेगेटिव प्रेशर का जो मैकेनिज्म है वो यूज़ करते हैं, कि इसमें जो प्रेशर होता है हमें वो नेगेटिव में प्रोवाइड करना पड़ता है, उसके इन रिस्पॉन्स में जो है वो इन हिलेशन और एक्सिलेशन होती है। और एज़ कम्पेयर टू रेप्टाइल्स और बर्ड्स, उसमें हमारे पास पॉजिटिव प्रेशर मैकेनिज्म मौजूद होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम इसमें ये पढ़ते हैं कि मैमल्स में जो है वो हमारे पास एक मस्कुलर डायाफ्राम मौजूद होता है, और ये जो मस्कुलर डायाफ्राम मौजूद होता है ये मोस्टली तौर पे जो एब्डोमिनल और थोरेसिक पार्ट होता है ये उसको सेपरेट करता है, ठीक है। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के दौरान में कि जो हमारे पास डायाफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और जो रिब केज होता है जब कॉन्ट्रैक्शन होगी डायाफ्राम की तो रिब केज जहाँ पे हमारे पास रिब्स मौजूद होती हैं वो एक्सपेंड हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो हमारे पास इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब आपको पता है कि जब हमारे पास एरिया ज़्यादा होगा एक्सपेंशन होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। जब प्रेशर हमारे पास डिक्रीज होगा तो ये हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर है उसको अलाउ करेगा कि वो लंग्स के अंदर एंटर हो, और सेम इसी तरह से जो हमारे पास एक्सिलेशन है उसमें जो है वो एक्सपायरेशन है बिल्कुल अपोजिट होता है जी। इंग्लिश के फर्स्ट टू कॉम्प्रिहेंशन के जो पैराग्राफ्स है वो आपने करने हैं, और आपकी इंग्लिश की जो क्लास है वो शाम को होगी। यस, नोज एंड माउथ का जो प्रोटेक्टिव एरिया उसको स्नाउट कहा जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सपायरेशन है, एक्सपायरेशन में हमारे पास जो है वो इलास्टिक जो है वो इलास्टिसिटी मौजूद होती है लंग्स में, और इसके अलावा जो है वो मसल्स जो है वो हमारे मोस्टली तौर पे जो डायाफ्राम होता है वो रिलैक्स कंडीशन में होता है, और इसके अलावा साथ साथ जो हमारे पास थोरेसिक और एब्डोमिनल जो पार्ट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, जो कि इनवर्ड हमारे पास जो है वो फोर्सफुल एरिया जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि एक्सक्रीशन है प्रोड्यूस की जा सके, और इसमें जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि हमारे पास जो रिब केज होती है वो एक्सपेंड नहीं होती बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो प्रेशर को जो है वो इंक्रीज करेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर को जो है वो बाहर की तरफ पुश करेगी, और इस तरह से हम एक्सक्रेशन एक्सिलेशन का प्रोसेस या फिर आप एक्सपायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियरेंस हो गई है, ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस आपको समझ आ गया है। चलिए, यहाँ तक कन्फ्यूजन है तो कोई पूछ रहे हैं, ये जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है या हार्ट सिस्टम है या आपकी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी कंप्लीट नहीं होना, ये सेंटर में ही रह जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे जो ये डायग्राम है ये आपके पास तमाम जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम की है, जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो इंशाल्लाह इसको तब क्लियर करेंगे, ठीक है। और इंग्लिश की आप अपनी रेडी कर लें, इंग्लिश की तैयारी कर लें, और इंग्लिश की तैयारी करने के बाद दोनों जो आप लोगों के फर्स्ट टू पैराग्राफ्स हैं जो मैंने आप लोगों को करवा दिए थे उसको छोड़ के जो है वो आपने नेक्स्ट टू पैराग्राफ्स करने हैं, ठीक है। और उसके आपने जो क्वेश्चंस हैं वो लिखने हैं, क्वेश्चन के बाद आपने उसका आंसर लिखना है, और फिर आपने उसकी जो है वो स्नैप्स लेके मुझे जो है वो जो आपकी क्लास का ग्रुप है उसमें सेंड करने हैं, और फिर आप लोगों की क्लास होगी उसमें हम ट्रांसलेशन उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू करेंगे, ठीक है। और रिदा बच्चे, आपने मुझे शाम में याद करवाना है कि आपकी जो क्लास है इसको हम 5 बजे तक कर लेंगे, क्लियर है बच्चे। चले, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अपने नेम और अपने अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लें साथ साथ बच्चे। अपने नेम और अपने एजी के साथ अपने अटेंडेंस सिंगल मैसेज में मार्क कर लें, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आप लोगों की इंग्लिश की क्लास शाम में होगी।
Thank you.